गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भू संयोजन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार क्या होता है। देखिए यहाँ अर्थिंग बोल रहा है, पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग के लिए बोल रहा है गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार पूछ रहा है। अर्थिंग है पाइप टाइप का, तो उसके गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 38 mm होना चाहिए व्यास का न्यूनतम आकार। पाइप है आपका गैल्वेनाइज आयरन का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है। देखिए GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन, तो गैल्वेनाइज आयरन पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है, तो भू संपर्कन क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए, इसलिए हम लोग GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ISI संहिता के अनुसार, ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमाएँ कितना होती है। देखिए यहाँ पे है कॉपर प्लेट, तो कॉपर प्लेट की बीमा ISI अंक के अनुसार होता है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 मीटर। ये होता है आपका 60, ये कॉपर प्लेट के लिए होता है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर, जबकि यही कॉपर के प्लेट के जगह अगर GI रहता तो GI का पूछता गैल्वेनाइज आयरन की न्यूनतम बीमा, तब आप लगाते ये बी नंबर। GI के केस में बी नंबर होगा, जबकि ये कॉपर प्लेट के केस में 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर। चलिए 20 नंबर, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ लीकेज परिपथ वियोजन, जिसको अर्थ लीकेज परिपथ वियोजन को कहते हैं ELCV, निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ELCV अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये कौन सी आवश्यकता को पूर्ति करती है, तो ये करती है विद्युत वायरिंग की रिसाव लीकेज धारा को सुरक्षित रखना, ये 19 नंबर, ठीक है। विद्युत वायरिंग की रिसाव को ये क्या करता है, सुरक्षित अर्थ रखता है अर्थ लीकेज परिपथ। चलिए 20 उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करा है, एक सूची वन दिया हुआ है और दूसरा सूची टू है, यानी एक तरफ भू संयोजन है और दूसरे तरफ इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ ये जो है ना हमारा अर्थिंग का प्रकार होता है, अर्थिंग के ये चार प्रकार होते हैं, प्लेट भू संयोजन, पाइप भू संयोजन, वाटर टैप भू संयोजन, रॉड भू संयोजन। तो ये याद रखिएगा, प्लेट के चार प्रकार होते हैं, सॉरी अर्थिंग के चार प्रकार है, प्लेट भू संयोजन, पाइप भू संयोजन, वाटर टैप भू संयोजन और रॉड भू संयोजन, ये सब अर्थिंग के प्रकार है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्लेट भू संयोजन के लिए,
यहाँ आपको पूछ रहा है प्लेट भू संयोजन के लिए, तो प्लेट भू संयोजन के लिए होगा आपका। देखिए प्लेट भू संयोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तांबे की प्लेट यूज करते हैं। अगर पाइप भू संयोजन की बात की जाए, अगर पाइप भू संयोजन की बात की जाए तो ये पाइप भू संयोजन छिद्र युक्त हम लोग क्या करते हैं, छिद्र युक्त GI पाइप यूज करते हैं। अगर वाटर टैप भू संयोजन की बात की जाए, वाटर टैप भू संयोजन की बात की जाए तो हम लोग वाटर टैप भू संयोजन की बात की जाए तो हम लोग हैंड पाइप यूज करते हैं, और रॉड भू संयोजन की बात की जाए तो तांबे का बेस छड़ यूज करते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भू संयोजन की ये सब विधियां हैं, चार विधि के अंतर्गत आता है, प्लेट भू संयोजन, पाइप भू संयोजन, वाटर टैप भू संयोजन, रॉड भू संयोजन। चलिए उसके बाद चलिए देखिए, उसके बाद कह रहा है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार यानी तांबे का न्यूनतम आकार डैश होना चाहिए। क्योंकि ये घरेलू वायरिंग है, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तांबे का ये प्रयुक्त न्यूनतम आकार पूछ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर स्क्वायर करते हैं हम लोग घरेलू वायरिंग में। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। जब दोहरी अर्थिंग की बात की जाए तो मोटर में भी हम दोहरी अर्थिंग करते हैं, जनित्र में भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी करते हैं, यानी ये सभी में हम लोग करते हैं दोहरी अर्थिंग युक्त। 24 नंबर क्वेश्चन चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टता प्रयोग की जाती है। देखिए भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टता प्रयोग की जाती है, पूरा किलो की विभिन्न दूरियां या स्थितियों के अधीन 4 परिरक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक परिरक्षण में मापित धारा 3.8 एम्पियर, 1.9 एम्पियर, 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर है। प्रतिरोध के निम्नलिखित किस परिकलित मान पर विचार किया जाता है। देखिए इसमें 20 वोल्ट परिरक्षण वोल्टेज से हमको क्या करना है, भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध ज्ञात करना है, समझे, भू प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। और ऊपर 4 परिरक्षण किया, अब प्रत्येक परिरक्षण का यहाँ पे एम्पियर मान आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है प्रतिरोध के निम्नलिखित किस परिकलित मान पर विचार किया जाएगा, तो किस परिकलित मान पर विचार किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा जितना आप परिरक्षण कर रहे हैं और जिस उसका जो भी एम्पियर मान है सभी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और उसका 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 4 को परिरक्षण किए तो 4 से भाग दीजिए, यानी कि औसत हम निकालते हैं उसका, यानी चारों मानों का हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालते हैं, चाहे आप जितना परिरक्षण कीजिए, तो आंसर हो जाएगा 4 मानों का औसत। यानी प्रतिरोध के हमको परिकलित मान ज्ञात करना है तो 4 मानों का औसत करेंगे, यहाँ 4 परिरक्षण किए थे इसलिए। चलिए 24 हो गया, 25 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है कि एक भू प्रतिरोध परिरक्षण के द्वारा प्रकिलों को विभिन्न स्थितियों में रखकर 4 माप लेनी है, जबकि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी प्रथम जांच के समान हो रही है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम, 2.4 ओम और 3.4 ओम, सॉरी 2.3 ओम, फिर 1.9 ओम, आप किस मान को लेंगे, तो किस मान को लेने के लिए तो वही हम बताए थे आपको क्या करना है, हमको 4 मानों का औसत, जब भी ये रहे चाहे जितना परिरक्षण कर रहे हैं तो सभी का औसत मान निकाल करके ही है ये हम
भू प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाले तार। अब घरेलू वायरिंग में आपको पता है कि हम लोग जो अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग में हम लोग उपयोग करते हैं 14SWG, 14SWG PVC कॉपर केबल यूज करते हैं, यानी बी नंबर 14SWG। अब देखिए SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, एस से हो गया स्टैंडर्ड, डब्ल्यू से हो गया वायर, जी से हो गया गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, वायर को मेजरमेंट करने के लिए, वायर का व्यास ज्ञात करने के लिए हम SWG उपयोग करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि निम्न में कौन सा कथन औसत है। औसत कथन की जांच करना है। तो कहता है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए आप जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ए मतलब हो गया एरिया। अगर हम प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध मेरा क्या होगा। अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध जाहिर सी बात है क्या होगा, घटेगा। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि बढ़ेगा, तो ऐसा गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पे कौन सा कथन औसत है। तो ये एक नंबर औसत है कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है, ये औसत है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 28 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कथन एक कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम होता है। ये बात सही है कि सामान्य भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 3 ओम होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन कह रहा है, ये कथन कह रहा है कि सामान्य भूमि में 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कथन मेरा क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 28 नंबर हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।